इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर, आशा वर्कर एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर के पद पर होने वाली भर्ती के बारे में। तो नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाला है ड्राइवर। इसके लिए ओनली एक पद भरा जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। इसके लिए आपको डेली वेजेस के आधार पर ₹305 पर डे सैलरी दी जाएगी। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और इसके लिए आपकी एज 18 से 45 ईयर के बीच होनी चाहिए। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट सोलन। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो ₹100 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। ये फ़ीस आपको आईपीयू या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सबमिट करवानी होगी। बैंक ड्राफ्ट आपको डिप्टी कमिश्नर सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन, इनके फेवर में आपको ये बनाना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले आपको MCQ टाइप के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड हिंदी एंड इंग्लिश के आपको 10th स्टैंडर्ड के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड उसके बाद हिमाचल GK एंड करंट अफेयर के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से इसमें आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इनकी जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो लास्ट पेज हैं वो आपको प्रिंट करवाने होंगे और इनको फिलअप करके आपको बाई पोस्ट ये भेजने होंगे। इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसमें आवेदन करना होगा। आवेदन ये ऑफलाइन ही आपको करना होगा। सो इससे रिलेटेड अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहीं पर दे दिया जाएगा। और इनकी ये जो नोटिफिकेशन है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आशा वर्कर के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। आशा वर्कर की नौकरी का मौका, चिकित्सा खंड पुखरी की 3 पंचायतों में पद भरने के लिए मांगे आवेदन। खंड चिकित्सा अधिकारी पुखरी डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत प्राणवी के वार्ड करोड़ी, सलाह व बेहड़ा ग्राम पंचायत, कोहलड़ी के वार्ड जगरोता व कुन्हा और सिल्ला घराट पंचायत के वार्ड स्नोथा व बनोग में एक एक पद आशा वर्कर की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 23 सितंबर तक इसमें दोपहर 1 बजे तक कार्यालय चिकित्सा खंड अधिकारी पुखरी में अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं व 10वीं पास रखी गई है। एंड इसके लिए कैंडिडेट की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कैंडिडेट संबंधित पंचायत के संबंधित वार्ड के स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आशा वर्कर के चयन हेतु तलाकशुदा, विधवा, एकल नारी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व BPL, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, कार्य के आधार पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आवेदनकर्ता अपने दस्तावेजों व 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो सहित तिथि से पूर्व जमा करवाना सुनिश्चित करें और इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन अमान्य होंगे। साक्षात्कार की तिथियां आवेदनकर्ता को संबंधित स्वास्थ्य उपकेंद्र के कार्यकर्ता द्वारा सुनिश्चित कर दी जाएंगी। सो अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहीं पर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट्स के बारे में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज़ अपॉइंटेड इजी सोर्स HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड मैन पावर एट द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे कैशियर कम रिसेप्शनिस्ट का एक पद भरा जाएगा। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और साथ में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का भी आपके पास होना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए वर्किंग इन होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, हॉस्टल एंड गेस्ट हाउस का।
एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको 14,326 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो भर्ती है आउटसोर्स माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जॉब ड्यूरेशन ओनली 1 ईयर रहने वाली है। इसके लिए आपको 1 ईयर तक रखा जाएगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, तो इसके लिए भी एक पद भरा जाएगा। इसके लिए आप प्लस टू पास होने चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वर्किंग इन होटल रिजॉर्ट्स रेस्टोरेंट का आपके पास होना चाहिए। एंड इसके साथ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी आपके पास ये होना चाहिए। इसके लिए भी आपको सेम वही सैलरी दी जाएगी एंड इसके लिए भी सेम वही जॉब ड्यूरेशन रहने वाली है 1 ईयर। और यहाँ पे नेक्स्ट है गेस्ट हाउस अटेंडेंट्स, तो इसके लिए 4 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए और साथ में प्लस टू पास भी आप होने चाहिए। इसके लिए भी आपके पास थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए आपको 10,140 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरह से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 26 सितंबर। 26 सितंबर से पहले पहले आपने इसके लिए आवेदन करना है। और किस तरह से करेंगे, तो ये ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ रहा है iitmandi@easysourceindia.com। तो इसी ईमेल एड्रेस पे आपने अपना CV और साथ में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट में आपने ये फिलअप करना है, तो इसी तरह से इसमें आवेदन करेंगे। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहीं पर दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।